अलमेकम माई YouTube फ़ैमिली कैसे हैं आप सब लोग मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक मज़े में होंगे और बहुत खुश होंगे अच्छा मैंने सोचा कि आज मैं आपके साथ अपनी थोड़ी सी रूटीन शेयर कर लूँ अभी ना सुबह का टाइम है और हेल्पर आंटी जो है ना वो घर जो है ना वो साफ़ करी उसके बाद सब समेटा से चलेगी होता पता है कि आज जो है ना ज़रा जल्दी से सुबह का, का काम कर लेती हूँ मैं भी ताकि शाम का जो मेरा मोस्टली टाइम है ना वो मूसा के साथ गुजर अच्छा यहाँ ना मैं साथ साथ बना रही थी आलू गोश्त उसके तो लिए मैंने मटन लेके और इसमें सारे मसाले प्याज लहसुन अदरक का पेस्ट और नमक मिर्ची हल्दी पिसा हुआ धनिया ये सब डाल के मैंने जल्दी से प्रेशर कर दिया था और उसके बाद मैंने आलू डाल के और इसको भून के अच्छी तरह से और इसकी ग्रेवी बना के तो जी यहाँ पे मैंने मज़े का आलू गोश्त रेडी कर लिया था अच्छा होता पता है क्या है कि जल्दी से अगर सुबह सुबह काम सारे ख़त्म कर लिए तो शाम को काफ़ी आपको ना काफ़ी टाइम मिल जाता है जो कि आप अच्छी तरह से गुजार सकते हो <laughs> <लाव>। <laughs> अच्छा यहाँ पर मैं आई हुई थी बाहर मैंने कुछ लेने थी मूसा के लिए चीज़ें अच्छा उसके स्नैक टाइम में मुझे उसके लिए कोई ना कोई बिस्किट इस तरह की चीज़ें चाहिए होती हैं मैं बहुत ज़्यादा उसको बाहर की चीज़ें बिल्कुल भी नहीं देती तो बस ये कि वो ख़ुद भी बहुत ज़्यादा चूजी है और वो इतना मीठा लवर नहीं है तो उसके लिए बहुत सिलेक्ट करके मुझे ना चीज़ें लेनी पड़ती हैं तो यहाँ जी मैं उसके लिए कुछ बिस्किट्स वग़ैरह देख रही थी और ये मैंने कुछ चीज़ें लेनी थी उसके अलावा तो यहाँ पर मैं वही देख रही थी अच्छा मुझे ना नेल पॉलिश बहुत पसंद है मुझे लड़कियों के हाथों पे लगी हुई भी, 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 भी बहुत पसंद है लेकिन मुझे ये होता है कि मैं जब लगा लेती हूँ ना उसके बाद जो मुझे उतारना उफल वो इतना मुश्किल काम लगता है कि बस तो इसी सोच की वजह से इसी उतारने की वजह से जो हूँ ना मैं नेल पॉलिश जो है ना वो लगाती ही बहुत कम हूँ कि जो है ना मुझे उतारने में बड़ा मुश्किल लगता है तो यहाँ मुझे प्यारे प्यारे से कलर्स देख के ना तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था और दिल चाह रहा था बस मैं ले लूँ तो ये भी शाम का टाइम है और बस इस टाइम मौसा को होता है कि बस हम बाहर जाएँ और पार्क जाएँ उसका फेवरेट जो है ना ये उसकी प्लेस है पार्क यहाँ पे उसको अपनी मर्ज़ी से खेलना बहुत पसंद है अपने फ्रेंड से मिलना पसंद है तो जी इसको मैं लेके आई हुई थी इस टाइम पे पार्क और वो पार, यहाँ पे आके बड़ा खुश हो रहा था और वैसे अच्छा बारिश के बाद ना बड़ा प्यारा सा एक सीन लगता है अभी देखे ग्रीनरी कितने मज़े की लग रही है बल्कि मैं ट्रीज़ देख रही थी वो भी इतने कलरफुल इतने प्यारे लग रहे थे तो आंखों को बहुत अच्छा लग रहा था यह सब कुछ देख के अच्छा यहाँ ना मूसा अपने अबू जी के साथ जो है ना वापसी पे जा रहा था और मेरे माइंड में एक बात आ रही थी कि कुछ अर्सा पहले हाथों में मेरा हाथ होता था और आज मेरे बेटे का हाथ है तो कुछ बातों के लिए ना सिर्फ आपके दिल से अलहदुल्ला निकलता है और अल्लाह ताला तमाम लोगों के माँ बाप का साया उनके सरों पर सलामत रखे आम आमीन और जी रात हमारा फैमिली डिनर था और इस डिनर में आपको मैं और एक मेरी बहन जो है वो कहीं पे भी नज़र नहीं आएंगी क्योंकि अगर हम इस टेबल पर नज़र आ रहे होते हैं ना तो आप यकीन करें बाकी के टेबल्स पे कोई भी जो बर्तन है ना वो नज़र ही नहीं आने थे <laughs> तो यहाँ जी सब कर रहे अपना डिनर तो जी अब ये घर आके कर मूसा की जो है ना कोई एक्टिविटी चल रही है पता नहीं अपनी गाड़ी को गाड़ी की सफ़ाई कर रहा है सुसराई कर रहा है या पता नहीं शर्ट पहना ही कर रहा है आई डोंट नो कुछ तो कर रहा है अच्छा जी मेरा आज का व्लॉग इतना था होपफुली आपको बहुत अच्छा लगेगा आपने बस मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है छोटी सी जिंदगी है खुश रहें दूसरों को भी खुश रखें अपना बहुत सारा ख्याल रखें इंशाल्लाह अगले मुलाकात अगले व्लॉग में मुलाकात होगी अल्लाह फिज